क्लास में ये सब पढ़ाने के बावजूद कुछ विद्यार्थियों को अभी भी प्रॉब्लम है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को लेकर के वे कंफ्यूजन में है। तो आज उस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर किया जाएगा और आज के बाद आपको दोनों विधि यानी प्रतिस्थापन तथा विलोपन में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे इसको किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। एक एक करके स्टेप देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि में कैसे प्रतिस्थापित करके हल किया जाता है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा समीकरण एक और इसको मान लीजिएगा आप समीकरण दो, ठीक है। प्रेशर नहीं लेने का, ध्यान से देखिएगा। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से, एक है आपका क्या, पांच एक्स जोड़ तीन वाई और बराबर 39, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स वाले को एक तरफ रखिए या वाई वाले को एक तरफ रखिए। अगर वाई वाले को एक तरफ रखिएगा तो सबको इधर कर दीजिएगा, अगर एक्स वाले को इधर रखिएगा तो सबको इधर कर दीजिएगा। चलिए पांच एक्स को हम यहां रखते हैं बराबर 39 और प्लस तीन वाई इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस तीन वाई, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 39 माइनस तीन वाई। आपको तो पता है कि जो गुना में होता है इधर आता है तो किस में चला जाता है, बटा में चला जाता है। अभी x हो गया अकेले, इसको अकेले कर देना है, ठीक है। इसको अकेले करने के लिए जी जान लगा दीजिए, अकेले हो गया। अब ये एक दो समीकरण हुआ था, अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीन। अब यदि आपने समीकरण एक लेकर के तीन लाया है, आपके द्वारा लाया गया है, आपने यदि एक से तीन लाया है समीकरण, तो अब इसको समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप दो से तीन लाते हैं तो इसे हम एक में प्रतिस्थापित करते हैं, लेकिन हम अभी किसको हल किए हैं, एक को हल किया है। तो जब एक को प्रतिस्थापन में, यही ध्यान रखना है कि यदि आपने एक समीकरण को हल किया है और x का जो मान आपने प्राप्त किया है, अब इसे समीकरण दो में प्रतिस्थापित कीजिएगा। प्रतिस्थापित करने का मतलब रखिएगा, यानी इस x का मान समीकरण किस में, एक में या दो में, दो में, दो में ही क्यों, क्योंकि आपने एक लिया था और एक समीकरण के माध्यम से आपको तीन प्राप्त हुआ है, तो इस x के मान को हम रखेंगे समीकरण दो में। यदि हम यहां दो लेते तब इसको रखते हम एक में, ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर, और यहां समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर विश्व के किसी भी कोने में किसी भी नमूने के द्वारा आपको, आप नहीं समझ सकते यहां अगर नहीं समझेंगे तो। समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर हम ये नहीं कह रहे कि आपको कोई दूसरा नहीं समझा सकता, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि यहां अगर नहीं समझे तो किसी कोने में समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। x का मान हम समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। समीकरण दो में क्या है, तीन है और यहां पर तो प्लस माइनस कुछ है नहीं, x है। अब x का मान आपको क्या रखना है, x का मान रखना है 39 माइनस तीन वाई, 39 माइनस तीन वाई और बटा पांच, और यहां पर क्या आपका माइनस चार वाई। आपने क्या किया, ये तीन लिया और फिर इनटू में एक्स का मान यहां पे प्रतिस्थापित कर दिया। यही खूबसूरती है इस क्वेश्चन की, इसलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। माइनस चार वाई बराबर आपका छ। अब देख रहे हैं यहां भी वाई वहां भी वाई, जहां देखो वहां वाई, इसलिए वाई का मान यहां आसानी से निकल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे तीन से 39 में गुना कीजिएगा तो 39 में तीन से गुना कीजिएगा तो आएगा 117 और माइनस तीन तिया नौ वाई और बटा क्या होगा जी, ये हो जाएगा हमारा पांच और माइनस चार वाई बराबर हो जाएगा छ। अब देखिए इसके बटा में क्या है, एक है। क्या 117 में से 9 घटेगा, यह संभव नहीं है क्योंकि इसके साथ चर जुड़ा हुआ है जो कि घटाना संभव नहीं है। हम यहां पे बटा का क्या कर लेंगे, घटाव कर लेंगे। चलिए बटा का घटाव कर लेते हैं, पांच एक कैल्सियम क्या होगा, पांच एक कैल्सियम हो जाएगा पांच, पांच एकम पांच, एक से करेंगे 117 में तो 117
और माइनस पांच एकम पांच, एक से नौ वाई में करेंगे तो माइनस नौ वाई, वही बात है पांच एकम पांच और एक से इसमें गुणा किए तो 117 माइनस नौ वाई, और ये आपका माइनस चलिए दे देते हैं एक पचे पांच और पांच चौका बीस वाई, एक पचे पांच और पांच चौका बीस वाई, ठीक है, और बराबर क्या हो गया आपका छ हो गया। चलिए सॉल्व कर लिए जाए, 117 और माइनस नौ वाई माइनस बीस वाई क्या हो जाएगा माइनस 29 वाई, और माइनस माइनस प्लस होता है ना, बटा पांच बराबर हो जाएगा आपका छ। इसके बटा में क्या छुपा है, एक छुपा है तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो एक से इसमें गुना कीजिएगा आपका आएगा 117 माइनस 29 वाई और बराबर छ में पांच से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 30 हो जाएगा, यानी माइनस 29 वाई बराबर 30 और प्लस 117 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 117, माइनस 29 वाई बराबर हो जाएगा 30 में से 117 घटेगा माइनस 87 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 87 और ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा इसलिए वाई बराबर हो जाएगा 87 और बटा 29, 29 तिया 87, वाई का मान क्या निकल गया 3 निकल गया। अब क्या करेंगे वाई का जो मान है समीकरण 3 में रख दीजिएगा, वाई का मान क्या कीजिएगा, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आसानी से आप एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स बराबर क्या है यहां पे 3 में 39 माइनस 3 वाई और बटा 5, यानी 39 और माइनस 3 गुना वाई का मान क्या आया है 3 आया है ना बटा 5, यानी 39 में से 9 घटेगा और बटा 5 हो जाएगा, यानी 30 बटा 5 और ये 5 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, x बराबर 6 और y बराबर क्या, y बराबर आपका क्या आया था मान y बराबर आया था 3, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख लीजिए इसको चेक कर लेते हैं, x का मान 6 और y का मान 3 क्या यह सही है, आइए जांच करते हैं, 6 पच 30 और 3 तिया 9, 30 9 39 बा सही है, इस पर भी चेक कर लीजिए, 6 त्रिका 18 और 4 तिया 12, 18 में से 12 गया तो 6। उम्मीद करते हैं कि यह प्रतिस्थापन विधि आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपने प्रतिस्थापन विधि को अच्छा से समझ लिया है, आपका आंसर x का मान 6 आया था और y का मान 3 आया था, विलोपन से भी अब जब आप हल कीजिएगा ना तो मान उतना ही आएगा, तो चलिए स्पष्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, विलोपन विधि को समझ लीजिए, विलोपन विधि के लिए क्या किया जाता है कि दोनों में से ये दोनों x वाले को बराबर करके कटा दिया जाता है या y वाले को बराबर करके कटा दिया जाता है, तो हम लोग चलिए काम करते हैं, हम लोग x वाले को कटाते हैं, x वाले को बराबर करने के लिए अगर हम इस 3 से 5 में गुना कर दें तो 3 पचे 15 x हो जाएगा और इस 5 से 3 में गुना कर दें तो 5 तिया 15 x हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अगर वही y का बात करें तो y 3 अगर 3 में हम 4 से गुना कर दें तो 4 तिया 12 और 3 चौका 12 ये कट सकता है, तो चलिए हम पहले x वाले को कटा देते हैं तो y का मान निकल जाएगा, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना कर, अब यहां पर मामला फंसता है कि जोड़ा जाए कि घटाया जाए, देखिए अगर दोनों का साइन बराबर हो, बराबर कहने का मतलब कि दोनों माइनस माइनस में हो या दोनों प्लस प्लस में हो, दोनों का साइन बराबर हो उस स्थिति में घटाइएगा, घटाइएगा तब ना चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा तब कटेगा, और अगर दोनों प्लस एक प्लस हो एक माइनस हो या ये माइनस हो ये प्लस हो तब जोड़िएगा, वहां घटाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे क्यों, क्योंकि दोनों का साइन प्लस में है, घटाने पर अगर वाई वाले का काम करते तो क्या करते जोड़ते, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती, ये 3 चौका 12 4 तिया 12 करके कट जाता, 3 पचे 15 एक्स प्लस 3 तिया
9y और 39 दिया 117, 5 दिया 15x माइनस 5 चुकिया 20y बराबर 5 6 30। क्या करना है? घटाना है। तो ये प्लस में 15 है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस वाला किस चीज में हो जाएगा? प्लस में। और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। प्लस 15x और माइनस 15x क्या होगा? कट जाएगा। 9y और 20y क्या हो जाएगा? 29y। प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 117 में से 30 घटाएगा तो 87 होगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 87/3। और जब 87/29, 29 से 87 में भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 3। y का मान निकल गया, जैसा कि पहले भी निकला था y का मान 3। अब y का मान जो है, आप इसमें उसमें बताया गया था कि जो समीकरण 3 में x आया था उसको आपने प्रतिस्थापित किया था 2 में। क्यों? क्योंकि आपने लिया था पहले समीकरण 1 और 1 के माध्यम से आपका निकला था 3, आपने 3 को प्रतिस्थापित किया था 2 में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप y का मान दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर यह विधि जो है यह विलोपन को ज्यादा आसान बना देती है कि दोनों में किसी भी रख दीजिए। रखने पर 5x प्लस 3y, y का मान कितना आया? y का मान आया 3 बराबर 39। देखिएगा जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो उसी समीकरण में रखिएगा। 5x और प्लस 3 में 3 से गुणा करेंगे, कैलकुलेशन जिसमें आसान हो, तो 9 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 39। यानी 5x बराबर हो जाएगा आपका 39 और प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9। यानी 5x बराबर हो जाएगा 39 में से 9 घटेगा तो 30 होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 30/5। कट जाए कितना बार में? 6 बार। चलिए, अतः x बराबर 6 पहले भी निकला था और y बराबर क्या? 3, जो कि प्रतिस्थापन में भी यह बात यही ना सामने आया था जी कि x बराबर 6 और y बराबर 3। उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन और विलोपन आप बहुत खूबसूरती से समझ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया तो आपको आगे भी बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे वज्रगुणन विधि को। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।